इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी के जैस्था मिल चौक स्थित पेट्रोल पंप में। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार 18 दिन से पेट्रोल और डीजल के कीमतों में जो है वृद्धि की जा रही है, जिसको लेकर कर राजधानी में युवा कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर अच्छा खासा प्रदर्शन किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी में जो है जब से पेट्रोल डीजल की कीमत में जो है इजाफा हुआ है, तब से रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले व्यक्तियों के जीवन में जो एक प्रकार से जो है प्रभाव पड़ रहा है। आइए जानते हैं पेट्रोल पंप में कुछ लोगों से किस प्रकार के जो है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से जो है इनकी जीवों पर प्रभाव पड़ रहा है। अब लगातार भैया बढ़ रहा है, एक हफ्ता से ज़्यादा पेट्रोल ऐसी पर हाँ कहाँ चल रहा है, सब बड़ा मुश्किल है सब चलाना है। चल ठीक, सरकार से क्या मांग करोगे? आप क्या मांग करोगे, काम करेगा तब तो हाँ रेप रंग में करना चाहिए ना, और जरूरी है, कैसे जीवन यापन होगा, ज़्यादा बढ़ाएगा तो है। केंद्र सरकार जो है मतलब गरीबों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए हर कोई व्यक्ति क्या है अपने घर से निकल नहीं पा रहा है, हर किसी को अलग अलग समस्या है। तो बस वही है, केंद्र सरकार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि केंद्र सरकार ध्यान दे कि पेट्रोल का डीजल दाम कम हो। डीजल से दाम बढ़ने से हम लोग को सवारी भी नहीं मिल रहा है, एक लीटर डला रहे हैं, एक सवारी में जा रहे हैं भनपुरी, क्या पूछा इधर है, क्या खिलाएंगे, रूम किराया भी बढ़ गया है। उसी भी मिलते कुछ सवारी मिल नहीं रहे हैं, बहुत भारी नुकसान कर रहा है, और डीजल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। सरकार से मांग कर रहे हैं केंद्र से कि भाई इसको घटाया जाए डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट भी, ये रोजमर्रा का जिंदगी का काम है हम लोग का, भाई क्या बोले और है ना जाए। ठीक, पहले तो 30% था, अभी यही मान के चलिए कि 50% तेल है। केंद्र सरकार ने जो लगातार पेट्रोल में वृद्धि करे, इसमें क्या पेट्रोल पंप पर भी असर पड़ा? जी पड़ेगा, पर किस प्रकार का सर? रेट वही, बिक्री कम होगी, क्योंकि लेने वाले तो वही हैं, जो 1000 का ले रहे हैं 1000 का लेंगे तो बिक्री तो फर्क पड़ेगा 50% डीजल में, और फर्क पड़ा है डीजल में मान के चलिए कि अभी भी 30-35% बिक्री है। डीजल का रेट भी 10 रुपये 21 पैसे जब से मतलब बढ़ाना चालू हुआ 10 रुपये 21 पैसे बढ़ा, और पेट्रोल का रेट 8 रुपये 30 पैसे बढ़ा अभी तक। कोरोना वायरस के चलते जहां देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, वहीं केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर मध्यम वर्ग के परिवारों के जेब में डाका डाल रही है। बता दें कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार स्थिर बने हुए हैं, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय व केंद्र सरकार के उदासीनीय रवैये से मध्यम वर्गीय परिवारों को लगातार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिल्ली में डीजल का मूल्य पेट्रोल से आगे निकल गया है, जिसने अब तक के सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। राजधानी रायपुर के घड़ी चौक, तेलीबांधा व जयस्तंभ चौक स्थित पेट्रोल पंप संचालकों व उपभोक्ताओं से TCB24 ने जाना मूल्य वृद्धि से उपजी समस्याओं को। देश ने जहां आर्थिक मंदी से उबरने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा लगातार 20 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है, जिसे राजधानी रायपुर में आज पेट्रोल 78.91 व डीजल 77.94 पर पहुंच गया है। TCB24 के संवाददाता ने राजधानी वासियों से जाना आर्थिक मंदी के दौर में मूल्य वृद्धि किया जाना मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किस तरह घातक हो सकता है, इसे लेकर देश व प्रदेश में कुछ दिनों से विरोध का दौर शुरू हो गया है। पेट्रोल भरवा रहे कुछ लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी अभी कोरोना वायरस के महामारी के चलते अभी अभी हम उभर रहे हैं, वहीं बीच बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करते हुए हमारे आर्थिक जीवन पर जो है प्रभाव डाला है। केंद्र सरकार को जो है इस प्रकार का निर्णय बदलना होगा, पेट्रोल डीजल के दामों को जो है कम करना होगा। रायपुर से TCP न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन S. गणेश के साथ नितिन नामदेव की रिपोर्ट।